press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Friends, ये है old HP evaporator module. ये अभी अभी इस location से बाहर की तरफ आया है. इसे अभी ground floor पे रखा गया है. हम लोगों ने इसे half part में निकाला है, because अभी हम लोग trial कर रहे हैं. इसका बचा हुआ half part निकालने के बाद complete हम लोग एक module बाहर की तरफ निकालेंगे. अभी फिलहाल हम लोग इसे एक सिंगल हाइड्रा के थ्रू शिफ्ट कर रहे हैं. यहाँ से हम लोग इसे स्क्रैप यार्ड ले जाएंगे और वहाँ पर रख देंगे. आने वाले एक दो दिन में हम लोग डबल हाइड्रा का यूज़ करेंगे. मॉड्यूल का हाफ पार्ट इस तरफ रखा हुआ है और बचा हुआ ये हाफ पार्ट इस तरफ रखा हुआ है. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डे एंड वेलकम टू रामगढ़ गैस थर्मल पावर प्लांट. आज की इस नई फ्रेश वीडियो में आपका एक बार फिर से वेलकम. यहाँ पर जितने भी बंदे आप देख रहे हो, ये सारे बंदे हमारे प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं. इसमें वर्कर हैं, टेक्नीशियन हैं, स्टाफ हैं, सारे लोग हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं. कोई भी काम, कोई भी प्रोजेक्ट अकेला नहीं होता है, पूरी टीम के साथ होता है. और हमारी एक टीम है जो कोई भी प्रोजेक्ट आसानी के साथ कर लेती है, चाहे वो प्रोजेक्ट छोटा है, बड़ा है, कितना भी टफ हो, वो हम उसे आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं. जैसा कि ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये भी काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और काफ़ी टफ, फिर भी हम इसे आसानी के साथ कर रहे हैं. फ्रेंड्स, ये काम विदाउट क्रेन होता नहीं है, पर हम लोग इस काम को विदाउट क्रेन ही कर रहे हैं और फुल सेफ्टी के साथ कर रहे हैं. ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. इस तरह का टफ और मुश्किल भरा काम हम लोग देसी जुगाड़ से कर रहे हैं. ये जो आप सामने की तरफ मॉड्यूल देख रहे हो, ये फर्स्ट वाले का जो हाफ पार्ट बचा हुआ था, वही हम लोगों ने अभी बाहर निकाला है. इसके बाद अब हम लोग जो मॉड्यूल निकालेंगे, वो कम्प्लीटली पूरा एक पीस में बाहर की तरफ निकालेंगे. फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पर टेम्परेरली दूसरा हाइड्रा अरेंज किया है. इससे पहले जो हम लोगों ने मॉड्यूल हाफ पार्ट में निकाला था, ये उसी का बचा हुआ दूसरा पार्ट है. ये सामने की तरफ दूसरा हाइड्रा आप देख रहे हो और इस तरफ में ये एक हाइड्रा. तो कुछ इसी तरह से हमें दो हाइड्रा की ज़रूरत पड़ेगी. ये जो फर्स्ट मॉड्यूल हम लोगों ने निकाला था हाफ पार्ट में, ये बचा हुआ उसी का दूसरा पार्ट है. अब जो हम लोग मॉड्यूल निकालेंगे, वो पूरा कम्प्लीटली एक पीस में निकालेंगे. वो आने वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से उसको हम लोग बाहर की तरफ निकालेंगे. यहाँ पर आपको दोनों मॉड्यूल दिखाई दे रहा है. फर्स्ट में हम लोगों ने ये मॉड्यूल निकाला था हाफ पार्ट में, और उसके बाजू में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसी का सेकेंड पार्ट है. हाफ हाफ करके हम लोगों ने दो पार्ट में इसे निकाला है. अब जो मॉड्यूल हम लोग बाहर की तरफ निकालेंगे, वो कम्प्लीटली एक पीस में निकालेंगे. जैसे ये दोनों एक ही पीस है, बट इसे हाफ करके हम लोगों ने निकाला था, बिकॉज हम ट्रायल कर रहे थे. अब जो भी मॉड्यूल हम बाहर की तरफ निकालेंगे, वो पूरा एक पीस में कम्प्लीटली एक सेट निकालेंगे. और कुछ इसी तरह से हमें दो हाइड्रा की ज़रूरत पड़ेगी, एक इस तरफ से और दूसरा वो सामने की तरफ से. इसी तरह से हमारा सारा मॉड्यूल साइट से स्क्रैप यार्ड तक जाएगा, और जो स्टोर पे हमारा न्यू वाला मॉड्यूल रखा हुआ है, वो इसी तरह से स्टोर से साइट तक आएगा. ये ओल्ड मॉड्यूल है, इसलिए अगर ये डैमेज होता है या फिर बेंड होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें न्यू वाले को संभाल कर और सही तरीके से लेकर आना है, वो डैमेज ना हो और ना ही वो बेंड हो. मॉड्यूल का हाफ पार्ट इस तरफ रखा हुआ है और बचा हुआ ये हाफ पार्ट इस तरफ रखा हुआ है. ये दोनों कम्प्लीटली एक मॉड्यूल है. अब जो हम लोग निकालेंगे, वो पूरा एक मॉड्यूल कंप्लीट निकालेंगे. वो आने वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वो किस तरह से बाहर आएगा.
सो गाइज इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की और भी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।